Hi guys, this is Wannabe Star Kid. मैं हूं अमर। मैं सच बताऊं, मेरे को तो लगा था यार MC Stan का कोई भी 2 या 3 महीने के अंदर सॉन्ग नहीं आने वाला है, बिकॉज हम सबको पता है वो बिग बॉस के अंदर है। और मतलब कल या परसों के एपिसोड में दिखाया था कि शालीन से बहुत खतरनाक झगड़ा हो गया था उसका, एंड यार ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया फिर MC Stan। भाई आप लोग सच में MC Stan की वजह से बिग बॉस की TRP जो हाई है, और एक और वो जो अब्दुल है, अब्दू जो भी छोटा सा है, वो तो इंटरनेशनल फेमस है, तो इन दोनों की वजह से ही साला बिग बॉस चल रहा है। ये दो पिलर है। एंड एक और चीज़ बोलूँगा, शाना बन के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसका ये आने के लिए, और मैंने तो लिटरली एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी थी इंसान एल्बम में से कोई भी म्यूजिक वीडियो आएगा। ऑडियो का तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले रिएक्शन कर चुका हूँ, लेकिन अब ये म्यूजिक वीडियो है, मेरे को देखना है भाई क्या है इसके अंदर, स्टैनी को देखने का मौका मिलेगा। बट चलो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप लोग MC Stan के फैंस जो इतने कट्टर हो, जब मैंने ये 1 साल पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था, रिएक्शन करना स्टार्ट किया था, मैंने MC Stan से स्टार्ट किया था, और क्या बताऊँ आप लोग ने जो ग्रोथ दिखाई थी उस टाइम पे, मैं ऑलमोस्ट सब गानों पे रिएक्शन कर चुका था और हर गाने पे आप प्यार दे रहे थे। फिर जब गाने नहीं बचे तो फिर मैंने दूसरे आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, बट यार सच में आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिखाया। अभी 1 साल हो चुका है, अब पता नहीं आप लोग कौन से मतलब सब्सक्राइबर काउंट थे मेरे तब और अभी तक आप मेरी अगर वीडियोज देख रहे हो तो चुम्मा आप सभी के लिए। चलो फटाफट से वीडियो देखें। वो आ गया, खबर आई रहेंगी कल है मेरा शो, कॉल मत कर बिश, लीव मी अलोन ब्रो, इट्स नॉट योर ब्रो, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है। वाह, मेरी जिंदगी में 3-4 लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग। सेम भाई सेम, वाह, ये जो लाइन इसने बार बोला है ना, सेम मेरे जिंदगी का है। मेरे लाइफ में भी सिर्फ 3-4 लोग हैं और बस हो गया, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं, मेरी माँ, मेरा बिल्ली जो मेरी बिल्ली है, और आप मेरे सब्सक्राइबर्स, बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं ना सब मोह माया वाले हैं। भाई बिल्कुल सही बोला है, 3-4 लोग चाहिए जिंदगी में और है मेरा, हो गया बस और कोई नहीं चाहिए। अभी गर्दाने किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में, कलेश मना मैंने ग्रीस, देखो तेरे एरिया में करा मैंने चीज, ए ए मेरी बात हो रही फिर, मैं बस नहीं करता, मैं देखता नहीं रिस, मैं गाने में लिखू मेरा पेन, क्या बोलू देखो तेरे साथ वाले ले, स्लट स्लट खुद को देख के मेरे आंखों से आते हैं आंसू, हम लोग पेनलेस, खबर आई रहेंगी कल है मेरा शो, कॉल मत कर बिश, लीव मी अलोन एवरी ब्रो, इट्स नॉट योर ब्रो, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, मेरी जिंदगी में 3-4 लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी करता नहीं किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में, तू मेरी जिंदगी में आई लगी दुल्हन मेरी, अरे भी जो भी मर गए ले दो मेरे दो, देखो मालूम तूने मेरे साथ में गलत करी, उस दिन मालूम पड़ा दुनिया एक और, अरे माँ की आँख। ओके गाइस, मैं एक और चीज़ बोलूँगा, इसके भी मतलब लाइफ में इस लड़की लोग ने इसका भी जीना आराम कर रखा था ना। एक तो कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के इसको डिफेम करने की कोशिश कर रही थी, नाम वाम मुझे नहीं पता, भूल गया बिकॉज बहुत पुरानी बात है। एंड जो बिल्कुल खुजामत एक डिस आया था इसका, तो उसमें निया भी थी जो लड़की पीछे प्रॉपर ऐसे ऐसा करके डांस करती। मैंने आपसे पूछा था ये लड़की कौन है भाई, इतना मस्त कर रही है, तो आप लोग ने बोला भाई ये स्टैनी की गर्लफ्रेंड है, निया नाम था उसका, राइट। तो सच में भाई ये लड़कियां लोग ना, खबर आई रहेंगी कल है मेरा शो, 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 कॉल मत कर बिश, लीव मी अलोन एवरी ब्रो, इट्स नॉट योर ब्रो, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, मेरी जिंदगी में 3-4 लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी करता नहीं किसको मैं क्लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में, यो बेबी बी डाउन लेट्स गो। भैया सच बताओ, 2018 में जब एमीवे के साथ इसका बीफ चल रहा था, तो सब इतना हेट दे रहे थे स्टैन को
कि क्या एलियन छपरी ये वो फलाना ढमकाना, पता नहीं इस बंदे ने कितना हेट झेला है। एंड राइट नाउ 2023 आ रहा है भाई, और जो फेम है इसके पास मिला है ऐसे ओवरनाइट नहीं मिला है भाई। कितना स्ट्रगल, कितना हेट, कितनी मतलब बकचोदियां झेली है इस बंदे ने, और अभी भी झेल रहा है। बहुत लोग अभी भी इसको छपरी बोलते हैं, आई नो भाई, बट ओ माई गॉड, वेन यू एक्चुअली क्लोज योर आइज एंड लिसन टू हिज सॉन्ग्स ना, दिल से भैया दिल को छू जाते हैं इसके लिरिक्स। क्योंकि जब मैंने तड़ी पार एल्बम सुना था, आमीन, अस्तगफिरुल्लाह, ओ माई गॉड, दोज ट्रैक्स वर लेजेंडरी स्टेटस, ओ माई गॉड, ओके मजा आ गया यार। कल है मेरा शो भैया, अब ये खुद ही एक शो बन चुका है। कहता नहीं यार, अगर आप लोग भी बिग बॉस देखते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं तो सिर्फ बिग बॉस भाई सिर्फ और सिर्फ एमसी स्टैंड की वजह से देखता हूं, दैट्स ऑल। अगर आप लोग भी सिर्फ बिग बॉस एमसी स्टैंड की वजह से देखते हो मुझे कमेंट करके बता देना। लास्ट मैंने देखा था जब डॉली बिंद्रा और उसके बाद जब स्काई और अश्मित पटेल वाले भाई वही देखे थे, उसके बाद से मैंने कोई नहीं देखा। फिर अब इसकी वजह से ही बिग बॉस देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एमसी स्टैंड की वजह से। बट अगर आज इसने सरप्राइजिंगली झटके से गाना ड्रॉप कर दिया तो मे बी अब बिग बॉस के आने के बाद ही न्यू ईपी या एल्बम या फिर आई थिंक कुछ ना कुछ तो निकालेगा। एल्बम तो शायद टाइम लेगा, बिकॉज आई थिंक इसी ईयर आई थी ना इसका इंसान एल्बम, तो आई थिंक इट माइट टेक टाइम। शानाबन तो भाई बहुत खतरनाक था, मेरे को लगा वो काइंड ऑफ अ डिस ट्रैक है, लेकिन आप सभी ने मुझे बताया वो डिस ट्रैक नहीं था, वो एक वार्निंग थी सभी के लिए। तो भैया आप लोग तो मुझे बहुत चीज सिखा देते हैं यार सच में भाई, मतलब कहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था और कब मैं हूँ। भले ही मेरे को अभी भी हिप हॉप का बहुत नॉलेज नहीं है, मैं अब बहुत अपने वीडियोस में बोलता आया हूँ, लेकिन जो एक साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक भाई मेरे अंदर बहुत ग्रोथ आई है, लिटरली बहुत ग्रोथ आई है, और उस सब का मतलब श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। तो थैंक्स अ लॉट, इतना मुझे आपने प्यार किया। अब 80,000 सब्सक्राइबर्स मैं होने वाला हूँ, लव यू ऑल, बस 20,000 और है। सिल्वर प्ले बटन है वहाँ पे, दूसरा लगाना है मेरे को, बस फटाफट से सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो तो, ठीक है। और गाइस मुझे एक और चीज़ बताना, ये जो वीडियो है ये एक्चुअल में शूट किया है सिर्फ इस गाने के लिए, या फिर ये ओल्ड क्लिप्स को उठा के म्यूजिक वीडियो बनाया गया है, बिकॉज ये तो अभी बिग बॉस में है ना। तो प्लीज़ आप मेरे को ये मेरा डाउट क्लियर कर देना, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मैं आपके लिए मज़ेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोज लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।